वेकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वेकेशन में बच्चों का ऐसे कौन से गेम हम घर पे खेलाएं जिसकी वजह से उनका माइंड भी डेवलप, बच्चों का माइंड के साथ में उनका शारीरिक रूप से विकास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही गेम आपको बताने वाली हूँ जो आप घर पे बड़े आसानी से उनके साथ खेल सकते। ऐसे बहुत सारे गेम है जिससे बच्चों का शारीरिक मानसिक हर तरह से विकास बहुत अच्छा हो सकता है, वो इंटेलिजेंट बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही गेम मैं बता रही हूँ। कैलकुलेशन यानी कि गणना करना। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उसे बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि मैथ्स। मैथ्स को जब आप क्लास के टाइम पे, स्कूल टाइम पे जब पढ़ाने बैठते हैं तो बच्चों को वो बहुत ज्यादा कठिन लगता है कि ये कौन से सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इस वेकेशन में बच्चों को कैलकुलेशन सिखाते हैं, जैसे कि बच्चों को आप पास बैठा दीजिए या उसको कुछ भी काम कर रहा है वो, और उसको इस तरह से बीच बीच में आप जैसे कुछ नंबर दे दीजिए, जैसे आप बोलेंगे और वो उसको सोल्व करेगा। कैलकुलेशन में जैसे आप एडिशन ले सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई ले सकते हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से कैलकुलेशन बच्चों के साथ कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि 8+5 कितना हुआ, तो बच्चा एकदम से आपको आंसर देता है जैसे कि 13। तो इस तरह से बच्चों को माइंड डेवलप होता है और मैथ्स अच्छी होती है और वो कैलकुलेशन करना सीखता है। तो आप अगर इस तरह वेकेशन के अंदर आप इस तरह का गेम उसके साथ खेलती है तो आप देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा और उसका माइंड डेवलप होएगा, उसकी मैथ्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये मैं भी करती हूँ। जब छुट्टी अभी लग गई है जैसे, तो मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे बैठी रहती हूँ, कभी मैं खाना बना रही होती हूँ उसको पास खड़ा कर देती हूँ, कभी कभी ऐसे बोलती रहती हूँ कि चलो ये बताओ इतना क्या हुआ है, और वो जल्दी से कैलकुलेशन करके बताता है। तो छोटा सा गेम है लेकिन बच्चों को बहुत एंटरटेनमेंट करता है और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी इसे एक बार करके देखिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और उनका माइंड भी डेवलप होगा। गर्मियों के मौसम में अगर आप बाहर कहीं बच्चों को लेकर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे बच्चों के साथ चेस खेल सकते हैं। और चेस बहुत ही अच्छा गेम होता है जिसे हम शतरंज कहते हैं। बच्चों के साथ पे अगर आप चेस अगर आपको नहीं आता है तो आपको बच्चे सिखा देंगे या आप बच्चों से सीख लीजिए। तो इस तरह से आप चेस गेम खेलना सीखिए बच्चों के साथ में। इससे भी आप शांतिपूर्वक वातावरण में अच्छे से, मतलब उसमें दिमाग लगता है कि किस तरह उस गेम को खेलना है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गेम है, किस तरह चेस किया जाता है, किस तरह से उसकी गोटियों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी सोल्जर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें आप भी सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है, आप इसे भी आप इस छुट्टियों में खेल सकते। कूब गेम का नाम सबने सुना होगा। जी हाँ, वो इस तरह से होता है जिसमें 3 या 4 कलर्स होते हैं और उनको सही क्रम में जल्दी से जमाना होता है। तो ये क्यूब गेम बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को इस तरह की गेम दीजिए जिससे कि बच्चे के माइंड बढ़ेगा और उनको हर तरह से खेलने में भी मजा आता है। तो ये भी आप गेम बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उनको दे सकते हैं खेलने। आप स्पेलिंग दे दीजिए या कुछ नंबर दे दीजिए। जैसे स्पेलिंग के अंदर आप कोई सी भी स्पेलिंग बोलेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट ही ले लीजिए, तो अब आप उसको बोलिए कि टी लास्ट है, तो इससे आप कोई नया वर्ड बनाइए। तो इस तरह से भी आप बच्चों के साथ गेम प्ले कर सकते हैं और इससे भी माइंड डेवलप अच्छा होता है। तो इस वेकेशन में इस गेम को भी आप अपना सकते हैं। कोई सी स्टोरी लिखने के लिए दीजिए या कोई पैराग्राफ लिखने के लिए दीजिए कि जैसे आप वेकेशन में क्या क्या कर रहे हो, इसका एक आप पैराग्राफ लिख लीजिए, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं तो उसके बारे में बच्चों को लिखने के लिए बोल दीजिए, या कोई सी स्टोरी है उसके बारे में आप बच्चों को लिखने के लिए बोलिए और उसकी राइटिंग भी सुधरेगी और उसे लिखने में भी मजा आएगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे सिखाइए ताकि बच्चों का हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा हो सके। गेम आता है उसे भी आप अपने इस गेम के अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि बिल्डिंग बनती है, कोई फ्लैट बन सकता है, कोई सा भी शेप आप उसे बना सकते हैं। तो इससे भी माइंड डेवलप होता है। तो ये बहुत ही अच्छा गेम है। ब्लॉक ला दीजिए घर पर और बच्चे उस ब्लॉक से बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना के आपको बताएंगे। आप उन्हें इंकरेज करिए और इस छुट्टियों में उनके साथ एंजॉय करिए। बच्चों को आप मॉर्निंग में जरूर साइकिलिंग करवाइए ताकि बच्चों का लंबाई बढ़े, बच्चों का भूख लगे और बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। तो आप आधा घंटा या एक घंटा बच्चों को साइकिलिंग करने दीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छा गेम की तरह ही होता है। तो इस छुट्टियों में अगर आपकी भी वॉकिंग हो जाएगी और बच्चों को साथ लेके जाइए तो उसकी भी साइकिलिंग हो जाएगी। पुरानी मैगजीन ले लीजिए या कुछ पुराने न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसके अंदर सुडोकू एक गेम होता है या कुछ पहेली वाला गेम होता है। बच्चों को बोलिए कि उन पहेलियों को फील करना सीखे, उन सुडोकू को भरना सीखे। सुडोकू के अंदर जैसे 3 या 4 इस तरह से भरना होता है और उसे पूरा नंबर उसका टोटल चारों तरफ से सेम होता है। तो बच्चों को इस तरह की गेम दीजिए ताकि बच्चे उसे करने में भी इंटरेस्ट रखेंगे और आपका समय भी और उसका समय भी बड़े आसानी से निकल जाएगा और बच्चे खुद सीखेंगे भी सही। तो इस तरह का गेम भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो सुडोकू बहुत पसंद करती हूँ और बच्चों को भी ये जरूर सिखाती हूँ।